गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 10B स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें आप लोगों को मैं रुपया और पैसा के बारे में बता रहा हूं। इससे पिछले क्लास में मैं बताया हूं आप लोगों को कि एक रुपया यानी 1 रुपी में 100 पैसा होता है, 2 रुपी में 200 पैसा होगा, 3 रुपी में 3 रुपीज में 300 पैसा होगा, 2 रुपीज में 200 पैसा होगा, इसी तरह 8 रुपीज में 800 पैसा होगा, 9 रुपीज में 900 पैसा और 10 रुपीज में 1000 पैसा होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखें। रीना एंड रेहान हैव 280 इन ऑल, 280 रुपीज इन ऑल। करके रीना और रेहान के पास 280 रुपया है। रेहान हैज 175, जिसमें रेहान के पास 175 रुपया है। तो हाउ मच मनी डज रीना है, तो रीना के पास कितना रुपया होगा, ये आपका वर्किंग स्पेस में वर्क करेंगे। आपका देखिए बुक में दिया है वर्किंग स्पेस में वर्क करना है। तो टोटल है आपका 280 रुपीज, उसमें रेहान के पास 175 रुपीज है। 280 रुपीज है और रेहान के पास आपका 175 रुपीज है। तो बताना है कि रीना के पास रेहाना के पास 175 रुपीज है, तो रीना के पास कितना होगा। तो आप माइनस करेंगे, इसमें से कैरी लेंगे, इसमें 10 में से 5 जाएगा 5, यहां आपका बच गया 7 और 7 में से 7 जाएगा 0, यहां आपका हो गया 2 में से 1 जाएगा 1। इस प्रकार रीना के पास 105 रुपीज होगा। क्वेश्चन नंबर अब 2 पर हम लोग चलेंगे। अंजू स्पेंड 80 रुपीज ऑन ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट कुकीज एंड 35 रुपीज ऑन ए सैंडविच। करे के अंजू नाम की एक लड़की है, वो आपका 80 रुपया खर्च कर रही है चॉकलेट कुकीज पर और 35 रुपया खर्च कर रही है सैंडविच पर। ही हैज रुपीज 55 लेफ्ट, और उसके पास 55 रुपया बच गया। हाउ मच मनी डिड सी हैव एट फर्स्ट, तो उसको शुरू यानी फर्स्ट बार में कितना रुपया उसके पास है। तो आप तीनों को प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वर्किंग स्पेस में आपका फर्स्ट है 80 रुपीज, इसके बाद 35 रुपीज, इसके बाद 55 रुपीज, 5 5 10 का 0, 8 और 3 11, 11 में 5 प्लस कर देंगे 16 और 16 में 1 प्लस करेंगे 17, 170 रुपीज उसके पास फर्स्ट में है। 5 5 10 का 0, 8 3 11, 11 में 5 प्लस करेंगे 16 और 16 में 1 प्लस कर देंगे 17। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे। 3 में क्या कह रहा है, राहुल बाइज ए सेट ऑफ 6 पेन्स, राहुल जो है वो 6 कलम का एक सेट खरीद रहा है। वेयर ईच पेन कॉस्ट रुपीज 24, और प्रत्येक कलम का दाम आपका 24 रुपया है। हाउ मच डज राहुल स्पेंड इन ऑल, तो वो कह रहा है कि राहुल टोटल कितना खर्च किया,
तो आप सिक्स फ्रेंड्स का निकाल लेंगे, तो आप 24 रुपीज में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक पेन का दाम है आपका 24 रुपीज, तो 6 पेन का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 का ये 4 लिख देंगे, 2 कैरी हो गया, और 6 2 जा 12, और 12 में 2 प्लस कर देंगे 14, 6 4 जा 24 कैरी 4, 24 का 4 कैरी 2, और 6 2 जा 12 में 2 प्लस कर देंगे आपका 14 हो गया, इस प्रकार 144 रुपीज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ देखिए, ए बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप कॉस्ट 25 रुपीज, कह रहा है एक पेपर क्लिप का दाम 25 रुपया है, एंड मार्कर पेन कॉस्ट रुपीज 40, आकर है मार्कर पेन का दाम 40 रुपया है। दिव्या हैज ए 200 रुपीज नोट, और दिव्या के पास 200 रुपया का नोट है, हाउ मच मनी इज सी लेफ्ट विद आफ्टर बाइंग 2 बॉक्सेस ऑफ पेपर क्लिप्स एंड 3 मार्कर्स पेन, कह रहा है कि ऐसे ऐसे वो 2 आपका पेपर क्लिप खरीद रही है और 3 आपका मार्कर पेन खरीद रही है, तो ये दोनों खरीदने के बाद 200 रुपीज में से कितना उसके पास बच जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपका 2 पेपर क्लिप तो आपका हो जाएगा 50 रुपीज, इसके बाद 3 मार्कर पेन्स, आपका 3 मार्कर पेन्स, तो आप 40 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 रुपीज, और आपका 200 का नोट है, तो आपका रिमेनिंग में कितना बच गया, टू हंड्रेड में से आप माइनस कर देंगे, ये दोनों को प्लस करने पर देखिए क्या आ रहा है, 0 5 2 7 1, आपका 170 रुपीज हो गया। आप 200 में से 170 रुपीज माइनस कर देंगे तो आपका 30 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 30 रुपीज बच जाएगा, क्योंकि 200 का नोट है, 2 पेपर क्लिप खरीदा जा रहा है, तो 25 और 25 50 रुपीज हो गया, और 3 आपका मार्कर पेन खरीदा जा रहा है, तो 40 40 40 120, दोनों को प्लस किया 170 रुपीज, और 200 रुपीज का नोट है तो आप घटा देंगे 200 रुपीज में से, माइनस कर देंगे तो 30 रुपीज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, मनीषा गेट्स 6 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर हर स्कूटी एट 65 रुपीज पर लीटर, कारक मनीषा जो है वो 6 लीटर पेट्रोल स्कूटी में प्राप्त कर रही है, यानी भर रही है, ऐसे 1 लीटर पेट्रोल का दाम 65 रुपया है, तो हाउ मच डिड सी पे एट द पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप पर टोटल कितना रुपया पेड कर रही है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 रुपीज है,
सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो छ पांच तीस, तीन छह छत्तीस, यानी कि सिक्स का टेबल फाइव बैक पढ़ेंगे तो थर्टी, थर्टी का आप जीरो लिख देंगे कैरी थ्री, और सिक्स का टेबल सिक्स बाय थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स में थ्री प्लस करेंगे तो थर्टी नाइन हो जाएगा, और ये आपका 390 रुपीज पेट्रोल पंप पर वो पेड करेगी। इस प्रकार आपका 10 बी का क्वेश्चन टोटल था 5, और 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।